आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है, क्योंकि जिंदगी में आपको वही मिलेगा जो आप सोचेंगे, और आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आपकी आगे की जिंदगी कैसी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं महेश शेख, और आज मैं कोई राजनीति की बात या कोई किताब की कहानी पर बात करने नहीं आई, बल्कि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूं जो शायद आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सके। आज लगभग सारी दुनिया नेगेटिव थॉट से घिरी हुई है। उदासी, टेंशन, परेशानी इतनी बढ़ गई है कि छोटे छोटे बच्चों को भी इस बेचैनी ने नहीं छोड़ा। इसलिए आज हम बात करेंगे सकारात्मक सोच की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर सक्सेसफुल लोग क्या सोचते होंगे कि वो जिस सक्सेस की मनोकामना करते हैं उसे हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं। इसके लिए आपको हमारे इस वीडियो में हमारे साथ बने रहना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है। आखिर ये क्या है पॉजिटिविटी जिसके बारे में सब बात करते हैं। आपने कई बार सुना होगा स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पॉजिटिविटी दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट? लेट मी डिस्कस हियर इन दिस वीडियो। बट बिफोर वी डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉजिटिव थिंकिंग, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। एक बात जो कि आपको समझ लेना बहुत जरूरी है वो ये है कि लाइफ में सक्सेस का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है। कई बार मेहनत के बावजूद अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ती है, जिसके लिए सबसे जरूरी है फ्लेक्सिबल सोच। इंसान सक्सेसफुल इसलिए होता है क्योंकि वो खुद को सक्सेसफुल होते हुए देखता है, और अनसक्सेसफुल भी इसीलिए होता है क्योंकि वो खुद को फेल होते हुए देखता है। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं तो आप दुनिया का हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से मतलब सिर्फ खुश होना नहीं होता है, बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है लाइफ में कुछ रियल वैल्यूज़ को क्रिएट करना, और कुछ ऐसे स्किल्स क्रिएट करना जो कि एक स्माइल से भी ज़्यादा देर तक टिके। केवल पॉजिटिव थिंकिंग रखने से ही इसका असर आपके काम, आपकी हेल्थ, यहाँ तक कि आपकी पर्सनल लाइफ पर भी दिखना शुरू हो जाएगा, और आप पहले से ज़्यादा खुशनुमा फील करने लगेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप क्या सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग या खुश लोग दिन भर में क्या सोचते होंगे? इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करना चाहूँगी जिसकी वजह से वो आज अपनी ज़िंदगी में एक अलग बुलंदियाँ हासिल कर चुके हैं, एक अलग मकाम पर खड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेपोलियन हिल की, जो कि अमेरिका के एक लेखक हैं। उनका मानना है कि सक्सेसफुल, हेल्दी और हैप्पी लोग अपना ज़्यादातर समय सिर्फ इसी पर लगाते हैं कि वो आखिर क्या चाहते हैं, और जो कुछ चाहते हैं वो उसे हासिल करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। वही अगर बात की जाए स्टीव जॉब्स की, तो उनका कहना है कि आपका समय लिमिटेड है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी पर व्यर्थ मत कीजिए। नेगेटिव सोच में मत फंसिए, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को, अपने इंट्यूशन को मत डूबने दीजिए। जी हाँ, ये सब कुछ स्टीव जॉब्स का कहना था, और इन्हीं विचारों के साथ वो आगे बढ़े, और हम सब जानते हैं कि आज वो किस कामयाबी के शिखर पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन अब तीसरे नाम के बारे में जिक्र कर लेते हैं। ये एक ऐसा नाम है जिसके ट्वीट और सोच दोनों ही बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं, दोनों से ही बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। जी हाँ, अभी तक आप गेस कर चुके होंगे, मैं बात कर रही हूँ एलन मस्क की। ये एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। उनका क्या सोचना है, इससे पहले हम उनकी लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आपको बता दूँ कि आज जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में फोर्ब्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाकर एलन मस्क ने साबित कर दिया कि ज़िंदगी में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर हम आगे और जानेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आज ये जिस मकाम पर हैं वहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। यू नो, यू माइट बी सरप्राइज्ड और मे बी शॉक्ड टू हियर दिस, बट एलन मस्क का कहना है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। और अगर उनकी कंपनी में कोई ये बात कह देता था कि कोई काम उनसे नहीं हो पाएगा, तो वो शख्स का आखिरी दिन होता था। क्योंकि एलन मस्क का कहना है कि कोई काम कैसे होगा वो देखना जरूरी है, क्या दिक्कत आ रही है उसे हमेशा नज़रअंदाज कर देना चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब कोई चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है तो आप उसे करते हैं, भले ही हालात आपके पक्ष में ना हो।
Well, these were the only three names that I mentioned in this video. But trust me, guys, there are plenty of people out there जिनकी सोच अपने आप में ही एक मिसाल है. आप ये जान लीजिए कि पॉजिटिव थिंकिंग से ही इंसान की कई मुश्किलें आसान हो जाती हैं. साथ ही आप एक बार सफलता के बारे में सोच लेते हैं तभी से ही रास्ते नजर आने शुरू हो जाते हैं और तभी आप पहचान पाते हैं कि आखिर किस रास्ते पर जाना चाहिए, कौन सा रास्ता आपको कामयाबी की ओर लेके जाएगा और ऐसा कौन सा रास्ता है जिस पर चलने से आपको बचना चाहिए. उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ तो नहीं लेकिन कुछ तो बदलाव करने के बारे में आपने भी सोचा होगा. वेल, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बट यू रिमेंबर टू स्टे इंस्पायर्ड एंड फेयरलेस एंड ऑल्सो कीप वॉचिंग निकोलॉजी. विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून.